नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 17 एंड यहाँ पे हमें दिया गया है कि दो कार हैं जो दिल्ली से सेम टाइम पे लीव करती हैं एंड वो दोनों ट्रैवल कर रही हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। अगर यहाँ पर एक कार की स्पीड दूसरे कार की स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है तो वो दोनों कार आफ्टर 5 आवर्स एक दूसरे से 425 किलोमीटर दूर होती हैं। तो यहाँ पर हमें हर एक कार की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। देखिए मान लीजिए ये जो डॉट है ये यहाँ पर क्या है, दिल्ली है एंड वो दोनों कार क्या कर रही हैं, यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए एक कार जो है वो है कार ए, तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है एंड दूसरी जो कार है वो है बी, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो आफ्टर 5 आवर्स, ठीक है ना, 5 घंटे बाद ये दोनों कार एक दूसरे से 425 किलोमीटर दूर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन दोनों कार ने मिलकर 425 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर की है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन दोनों कार की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इसने यहाँ पे ना एक चीज़ दी हुई है कि एक कार की जो एवरेज स्पीड है वो दूसरे कार की एवरेज स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे मैं एक कार की एवरेज स्पीड निकाल लेता हूँ तो दूसरे कार की एवरेज स्पीड मुझे आसानी से मिल जाएगी क्योंकि वो इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर एक कार की एवरेज स्पीड लेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कार एक की स्पीड, लेट एवरेज स्पीड स्पीड ऑफ कार ए, कि मान लीजिए कार ए की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। देन जो एवरेज स्पीड है किसकी, कार बी की, वो इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब एक्स प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे जो इनकी कंबाइंड स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, तो इनकी कंबाइंड स्पीड क्या हो जाएगी, ए और बी की, ठीक है। कंबाइंड स्पीड कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे x एंड प्लस के x प्लस 5, यहाँ पे मैं कार ए और कार बी की स्पीड को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 2x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास टाइम दिया हुआ है ना वो कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 आवर्स, 5 आवर्स में ही डिस्टेंस कवर कर रही है वो 425 किलोमीटर की। एंड जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पर 425 किलोमीटर। एंड देखिए यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो होता है टाइम इनटू स्पीड, क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड ये होता है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस पहले से ही दी हुई है इसकी 425 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैं टाइम रख लेता हूँ, टाइम कितना है 5 आवर्स है एंड स्पीड कितनी है, जो कंबाइंड स्पीड आई हमारी मैं उसको रख लेता हूँ। तो 5 इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 5, इट इज़ इक्वल टू 425। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 2x, तो ये हो जाएगा 10x एंड प्लस 5 इंटू 5 25, इट इज़ इक्वल टू 425। 10x इट इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा 425, यहाँ पे प्लस का 25 उधर जाकर ट्रांसपोज होगा तो हो जाएगा माइनस का 25, तो यहाँ पे आ गया 10x इट इज़ इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड करेगा इसको 10, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आएगा 40। तो जो x है ये कार ए की स्पीड है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार ए यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई कितनी है वहाँ पे, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो x की मैं वैल्यू निकाल चुका हूँ, यहाँ पे आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ कार बी, तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ कार बी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ कार बी वो इससे 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, ठीक है, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाएगा, 40 प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर।